हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर पनीर, टेस्टी एंड सिंपल रेसिपी। मटर पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर। हमने 200 ग्राम लिया है मटर, और हमने लिए हैं 4-5 टमाटर, और हमने मिर्ची ली है। मिर्ची आप अपने सामर्थ्य अनुसार ले सकते हो। हमने ये मेथी ली है, सूखी कस्तूरी मेथी ली है 1 चम्मच। हमने 1 चम्मच हल्दी लिया है। हमने देगी मिर्च ली है 1/2 चम्मच। हमने मटर पनीर मसाला लिया है 1 चम्मच। हमने 1 चम्मच ही नमक लिया है। नमक आप अपनी सामर्थ्य अनुसार ले सकते हैं। हमने 1 चम्मच लिया है टोमेटो सॉस का। हमने अदरक लिया है, अदरक का पेस्ट बना लिया है 1 चम्मच। हमने सजाने के लिए ये कोरिएंडर लीव्स लिए हैं, और हमने 1 कप लिया है दूध। अब हम पहले मटर पनीर का मसाला तैयार करेंगे। इसमें हम मिर्ची भी डाल देंगे, ग्रीन मिर्ची भी डाल देंगे। अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। पहले हम तड़के के लिए घी डालेंगे। अब हम इसमें जीरा डालेंगे 1/2 चम्मच। अब हम इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे। अदरक का पेस्ट डालते ही हम इसमें टमाटर डालेंगे। मटर भी उबालने के लिए रख देंगे। हम टमाटर में मसाले डालेंगे। ये जो हमने हल्दी पाउडर लिया था वो डाल देंगे इसमें। हमने देगी मिर्च ली थी वो भी डाल देंगे। नमक भी डाल देंगे, और जो हमने मटर पनीर मसाला लिया था वो भी डाल देंगे। हमने कस्तूरी मेथी ली थी वो भी हम डाल देंगे इसमें। इसमें हम केचप भी मिला लेंगे। अब हम इसको तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये कढ़ाई में घी ना छोड़ दे। घी में पनीर को तल लेंगे। पनीर को हल्का ब्राउन होने तक हम तलेंगे। ये देखिए बन चुका है, हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको तड़के में ऐड कर देंगे। अब हम इसमें जो हमने पनीर किया था वो डाल देंगे तड़के में। जो हमने मटर भी उबाले थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 कप डाला मैंने। जो हमने दूध लिया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको सिम पे 5 मिनट पकाएंगे।
अब हम चेक करेंगे। ये देखिए हमारा मटर पनीर बिल्कुल तैयार है, अब हम इसको सर्व करेंगे। आप इसमें धनिया ऐड कर दीजिए, हमारा मटर पनीर सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर जरूर करें।